नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में भगवान गणपति को सुख और समृद्धि, धन और वैभव, ज्ञान और विकास, रक्षा और विजय के साथ साथ सभी प्रकार की दुखों और कष्टों को दूर करने वाले देवता और भगवान माना गया है। और यदि आप भी भगवान गणेश से यह सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भगवान गणेश को सही अर्थ में जानना होगा। भगवान गणेश के इस दिव्य रूप की आराधना करनी होगी और भगवान गणेश के अलौकिक तत्व को अपने जीवन में सम्मिलित करना होगा। और जिसने भी भगवान गणपति के उन तत्वों को अपने जीवन में उतारा, उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार, उसके बिजनेस और उसके राष्ट्र को सुख समृद्धि, विजय, सुरक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो क्या है भगवान गणपति का वह दिव्य स्वरूप और क्या है वह गणेश तत्व, आइए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। नमस्कार मित्रों, आर्यलोक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणपति किस प्रकार से हमारे विघ्नों को दूर करते हैं, किस तरह से हमें सुख समृद्धि देते हैं, किस तरह से हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं, किस तरह से हमें धन वैभव देते हैं और उसे बनाए रखते हैं? और इसे समझने के लिए हमें गणपति के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को समझना पड़ेगा। गणपति का शाब्दिक अर्थ होता है गण प्लस पति। गण का मतलब होता है समूह और पति का मतलब होता है मालिक, नेता, मुखिया या अध्यक्ष। और सबसे पहले समूह के नेता, गण के मुखिया की, गण के पति की पूजा होनी चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए जितने भी गण बनाए थे, उनका स्वामी गणपति को बनाया था। और यह गणेश तत्व संसार के जितने भी गण या समूह का जो स्वामी है, उसमें होने ही चाहिए। और यदि उस समूह के स्वामी में यह गणेश तत्व नहीं होगा, तो उसका विनाश निश्चित ही होगा। तो आइए जानते हैं यह गणपति तत्व कैसा है। प्राचीन काल में हमारे भारत में कई गणराज्य थे, जैसे कि मिथिला, कुरु, पांचाल, विदर्भ इत्यादि। अब यह जो गणराज्य थे, उनमें आपस में लड़ाइयां भी होती थी, एक दूसरे के प्रदेशों पर कब्जा भी किया जाता था, एक दूसरे की संपत्ति को भी ले लेते थे। तो हर एक अपने गणराज्य को मजबूत बनाना चाहता था। और हमारे यह गणराज्य बहुत ही समृद्ध थे और इसीलिए हमारे ऋषि जनकल्याण के लिए समृद्धि की कामना करते हुए कहते हैं, ओम यन्तु नद्योः वर्षन्तु पर्जन्या सुपिप्पला ओषधयोः भवन्तुः अन्नवताम ओदन्वताम मामिक्षवताम एषाम राजा भूयासन। अर्थात हमारी नदियाँ हमेशा बहती रहे, समय पर बारिश बरसे, हम जो भी पेड़ लगाए उन पर फल लगे, जौ और चावल जैसे अन्न विपुल मात्रा में उत्पन्न हो और साथ में दूध और ईख भी विपुल मात्रा में उत्पन्न हो। इस तरह हमारा भारत देश बहुत ही समृद्ध था। जिन देशों में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जल है ही नहीं, वह क्या करते थे कि भारत की संपन्नता को देखा और लूटने चले आते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि हमारा गणराज्य मजबूत होना चाहिए। और इसलिए हमारे गण का जो अध्यक्ष है, गण का जो स्वामी है, जिसे गणाध्यक्ष कहा जाता है, उस राजा में भगवान गणेश के तत्व होने चाहिए। उस राजा में, उस लीडर में यदि भगवान गणेश के तत्व नहीं होंगे, तो उस राष्ट्र का और उनके प्रजाजनों का कभी कल्याण नहीं होगा। हमारे गणाध्यक्ष के लिए कहा गया है कि दंताघात विदारित अरिरुद्रे। हमारे गणपति ऐसे हो कि एक ही दांत के आघात से विदारित यानी चीर दे अरि यानी शत्रु को। जो हमला करने वाला शत्रु है, उसको एक ही हमले में, एक ही बार में, एक ही आक्रमण में उसका नाश कर दे, चीर के रख दे। इसीलिए गणेश जी का एक दंत होता है। गणपति दूसरी बार आक्रमण नहीं करते हैं, एक ही बार आक्रमण करके शत्रु को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ऐसे ही हमारा राजा भी एक बार में ही शत्रु का नाश कर दे, शत्रु को बार बार हमले करने का मौका नहीं देना चाहिए। और शत्रु का जो रक्त है, उसका तिलक करके वह सुशोभित हो। आगे कहा गया है, सिंदूर शोभा करूं शैल सुता सुतम। अब ऐसा भी हो सकता है कि लूटने वाला शत्रु कभी भारी लश्कर लेकर आए और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करे। तो हमारे राजा में गणपति के कौन से गुण होने चाहिए? तो इसके लिए कहा गया है कि वह शैलसुता का पुत्र होना चाहिए, यानी हमारा राजा पर्वतों से, नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से जो भूमि बनी हुई है, उस भूमि का अपने आप को पुत्र माने। मैं इस भारत भूमि का पुत्र हूँ और मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर भी कटवा सकता हूँ। जैसे भगवान गणपति ने माता पार्वती का वचन पालन करते हुए अपना सिर कटवा दिया था, किसी विदेशी मूल वाले व्यक्ति में यह जज्बा नहीं होगा
कि वह हमारे गांव के लिए, कंपनी के लिए या देश के लिए प्राणों का त्याग कर सके। अब आगे कहा गया है कि अर्थ धर्माय फलाय राज्याय नमः, यानी हमारा राजा अर्थ और धर्म को देने वाले राज्य को ही भगवान माने, क्योंकि इस राष्ट्र से ही अर्थ यानी धन धान्य और समृद्धि मिलेगी और हम अपनी समृद्धि को अच्छी तरह से भोग सकेंगे। और हमारा राजा मजबूत होगा तो हम भी अर्थ और धर्म से मजबूत होंगे। धर्म यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। हमारे राज्य या कंपनी में सबको समान हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबकी रक्षा होगी तो सबका विकास भी होगा। इसलिए हमारे राजा केवल अपना और अपने परिवार के बारे में ना सोचकर पूरे राष्ट्र को ही अपना भगवान माने। अब आगे कहा गया है कि कोई विदेशी आकर हम पर सत्ता ठोक दे, हम पर शासन करने लगे, तो उस विदेशी आक्रमणकर्ता को कभी भी अपना राजा या गणपति ना माने और उसकी पूजा ना करें। अब आगे कहा गया है कि सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णक, लंबोदर्श्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, यानी हमारा गणपति, हमारा राजा सुमुख होना चाहिए, यानी वह मधुर वाणी बोलने वाला होना चाहिए, वह उद्धत नहीं होना चाहिए, वह बिना सर पैर वाली बातें करने वाला नहीं होना चाहिए, बिना सोचे समझे जो भी मुख में आया वह बोल देने वाला भी नहीं होना चाहिए, वह एक दंत होना चाहिए, यानी शत्रु को एक ही आक्रमण में समाप्त कर देने वाला होना चाहिए। अगर वह शत्रु को 17-17 बार आक्रमण करने का मौका देगा तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे। वह कपिल होना चाहिए, यानी कि वह गहरी हरियाली के रूप में जो कृषि है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, भूमि है, उसकी रक्षा करने वाला और संरक्षण करने वाला होना चाहिए। अब आगे कहा गया है कि हमारा राजा गजकर्ण होना चाहिए, यानी वह छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्ति की भी बात सुनने वाला होना चाहिए। अब गणपति का बड़ा सिर बड़ी सोच का और छोटी बातों में अपना समय न गंवाने का प्रतीक है। गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा सुनने का महत्व है। बड़ी नाक यानी उनकी सूंड बताती है कि परिस्थितियों को पहले ही सुन लेने से, यानी आने वाले समय का पहले ही अंदाजा लगा लेने की कला हम सबको विकसित करनी चाहिए। बड़ा पेट पचाने की क्षमता का प्रतीक है। चाहे आप जीवन में धन अर्जित करें, सफलता अर्जित करें या बड़ा पद प्राप्त करें, लेकिन आप में यह सब पचाने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग सेलिब्रिटी तो बन जाते हैं लेकिन साथ में उनके दिमाग भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। भगवान गणेश का बड़ा पेट यह भी दर्शाता है कि हम और हमारा राजा, राष्ट्र के जो रहस्य है, जो रणनीतियां हैं, जो गुप्त बातें हैं, उसे किसी को ना बताएं। हमारे रहस्य हमारे पेट में ही दफन हो जाने चाहिए, वरना दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणपति का वाहन चूहा ही क्यों है? तो चूहे का काम है अच्छी चीजों को कुतरना। और राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने कुतर्क से सत्य को विकृत करने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण जरूरी है। कुतरना शब्द भी कुतर्क से ही बना है। राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कुबुद्धि पर सुबुद्धि रूपी गणपति आरूढ़ होने चाहिए। अब जब भगवान गणेश के यह सभी तत्व हमारे गणपति में, हमारे नेता में, हमारे राजा में, हमारी कंपनी के मालिक में और हम में होंगे, तो कोई भी विदेशी शक्तियाँ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी। सबको समान न्याय और अधिकार मिलेंगे, ज्ञान और विज्ञान का विकास होगा, धर्म और कर्तव्यों का पालन होगा, कला और कौशल्य विकसित होंगे, कानून और व्यवस्था बनी रहेगी, कृषि व पर्यावरण की रक्षा होगी, धन धान्य और समृद्धि में बढ़ावा होगा और बिना किसी चिंता के और भय के हम अपनी संपत्ति का उपभोग और सही उपयोग कर सकेंगे। और इसीलिए जहाँ भगवान गणेश होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी हमेशा विराजमान रहती है। एकमात्र गणेश तत्व ही ऐसा है जो लक्ष्मी तत्व यानी धन धान्य संपत्ति और समृद्धि तथा सरस्वती तत्व यानी ज्ञान विज्ञान और कला कौशल्य को बढ़ाता है और बनाए भी रखता है। तो इसीलिए हमें भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ उनके गुणों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने लिए ऐसा राजा चुनना चाहिए जिसमें भगवान गणेश के ज्यादा से ज्यादा गुण हो। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य ही करें और कमेंट में जय गणेशाय नमः भी अवश्य लिखें। सब समृद्ध बने, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।